माहौल बनया है पंजाब दे विच कल जिवें कतल किया गया है उसने एक बार फिर जिहड़ी ये लॉ मैं अज ही हुणी पहतों पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की सी कि अज पंजाब दे हालात वो है जिवें एक अनाड़ी नूं एक गड्डी चलाउण नूं दे दिओ एक्सीडेंट होना ही होना है। पिछले 6 महीनों के अंदर कतल हो रहे हैं, गैंगस्टर राज कर रहे हैं, लुट्टा हो रही हैं, दिने डकैतियां हो रही हैं, जिन्हें गैंगस्टर हैं मैं लगता हज़ारा लोगों तो फरौतियां ले जाते हैं, कोई कंट्रोल ही है नहीं। तो मैनू तो दुख है जिहड़ा इस गल दा है कि अगले 4 साल किवें टप्पणगे। अज सारे लोग दुखी है, मुख्यमंत्री ना की कोई चीज़ ही नहीं, सरकार ना की कोई चीज़ ही नहीं है। मैं पता किया कि खरड़ हल्के की MLA कितने आई है, हूँ ही पुछ रहा सी कि एक दिन नहीं दिखाई दी। फिर वह MLA बन के सारे कर की रहे हैं। अज पंजाब दे आम आदमी पार्टी की सरकार इत्थे नहीं है, गुजरात च बैठी है। इत्थे लोग लुट्टे जा रहे हैं, मारे जा रहे, तो सरकार गुजरात च बैठी है। ये तो माड़ा हल की हो सकता कि अज पंजाब दे हालात वो है जिवें एक अनाड़ी नूं एक गड्डी चलाउण नूं दे दिओ एक्सीडेंट होना ही होना है। पिछले 6 महीनों के अंदर कतल हो रहे हैं, गैंगस्टर राज कर रहे हैं, लुट्टा हो रही हैं, दिने डकैतियां हो रही हैं, जिन्हें गैंगस्टर हैं मैं लगता हज़ारा लोगों तो फरौतियां ले जाते हैं, कोई कंट्रोल ही है नहीं। तो मैनू तो दुख है जिहड़ा इस गल दा है कि अगले 4 साल किवें टप्पणगे। अज सारे लोग दुखी है, मुख्यमंत्री ना की कोई चीज़ ही नहीं, सरकार ना की कोई चीज़ ही नहीं है। मैं पता किया कि खरड़ हल्के की MLA कितने आई है, हूँ ही पुछ रहा सी कि एक दिन नहीं दिखाई दी। फिर वह MLA बन के सारे कर की रहे हैं। अज पंजाब दे आम आदमी पार्टी की सरकार इत्थे नहीं है, गुजरात च बैठी है। इत्थे लोग लुट्टे जा रहे, मारे जा रहे, सरकार गुजरात च बैठी है। ये तो माड़ा हल की हो सकता।